वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसर, कैंसर के अंदर काउजेज ऑफ कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर काउजिंग एजेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक कैंसर। कैंसर में क्या होता है, एक रैपिडली प्रोलीफरेटिंग अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल। वो प्रोलीफरेट करेगा रैपिडली। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है जिस सेल्स या टिश्यू के पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर या फंक्शन नहीं है उसे हम कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल्स स्टॉप इट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जो कैंसरस सेल्स होता है उनके पास ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी नहीं होता है, जिनके कारण वो दे कंटिन्यू टू डिवाइड और फॉर्मिंग ट्यूमर और न्यूप्लाज्म। कैंसर के स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। हम लोग पढ़ेंगे काउजेज ऑफ कैंसर। कैंसर का काउज क्या है? हमारे नॉर्मल सेल्स में पी ऑन्कोजेन होता है, जिनके अंदर नॉर्मल सेल डिवीजन और नॉर्मल सेल डिफरेंशिएशन होता है बाय म्यूटेशन और बाय ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं वो सेलुलर ऑन्कोजेन में, प्रोटो ऑन्कोजेन सेलुलर ऑन्कोजेन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिनके अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन और एबनॉर्मल सेल डिफरेंशिएशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्यूमर। ट्यूमर होता क्या है? ट्यूमर इज अ मास ऑफ सेल। वो एक सेल का मास है। वो फॉर्म ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। सेल के अनकंट्रोल्ड डिवीजन से जो फॉर्म होता है एक मास, उसे हम लोग कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर दो टाइप्स के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर एक और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। हम लोग पढ़ेंगे बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। बेनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होता है, इनमें डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये डू नॉट एग्जिबिट मेटास्टेसिस। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये कैंसरस होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं इसके अंदर और एग्जिबिट करते हैं मेटास्टेसिस और एग्जिबिट करते हैं इन्वेजिवनेस। मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस एक ये प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर है बाय विच दे रीच डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी। बेसिकली क्या, ये एक मूवमेंट ऑफ द ट्यूमर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कैंसर काउजिंग एजेंट, जिसे हम करते हैं कार्सिनोजेन। अब इसके अंदर आएंगे, पहला आएगा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर इसका एग्जाम्पल है एक्स रे, गामा रे, यूवी रे एंड कंगिरी। एंड एग्जाम्पल ऑफ केमिकल आर निकोटीन, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्सेनिक एंड कैडमियम। बायोलॉजिकल का एग्जाम्पल है HPV, HIV एंड EBV। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैंसर। द फर्स्ट वन इज कार्सिनोमाज। जो भी टिश्यूज इक्टोडर्मली डेराइव्ड है उनमें अगर कैंसर हो रहा है तो उन्हें हम बोलेंगे कार्सिनोमाज। 85% ऑफ कैंसर आर कार्सिनोमाज। इसका एग्जाम्पल होगा ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, यूटराइन कैंसर एंड स्किन कैंसर। एंड द सेकेंड वन इज सार्कोनोमाज। ये डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, जो भी मेसोडर्मली डराइव टिश्यूज हैं उनमें अगर कैंसर हो रहा है तो उन्हें हम कहेंगे सार्कोनोमाज। ये 1% ऑफ टोटल कैंसर, ये बहुत ही रेयर है। नॉर्मल हमारा है ये कार्सिनोमाज जो 85% ऑफ टोटल कैंसर है, सार्कोनोमाज जो है 1% ऑफ टोटल कैंसर जो रेयर भी होता है। इनका एग्जाम्पल है बोन कैंसर, लिगामेंट कैंसर, टेंडन कैंसर एंड कार्टिलेज कैंसर। नाउ द थर्ड वन इज ल्यूकेमियाज। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमियाज बोलते हैं। अगर ग्लैंड में कैंसर हो रहा है, कैंसर ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एडिनोमाज। हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। द फर्स्ट वन इज बायोप्सी, सेकेंड वन इज एंडोस्कोपी, थर्ड वन इज CT स्कैन जिसे हम कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, फोर्थ वन इज MRI एंड द फिफ्थ वन इज मेमोग्राफी। इसमें MRI सबसे सेफेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द डिटेक्शन और डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इसमें इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, जिसका फुल फॉर्म है MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एंड द लास्ट वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसके अंदर बाई रेडियोथेरेपी, बाई इम्यूनोथेरेपी, बाई कीमोथेरेपी एंड बाई सर्जरी। कीमोथेरेपी में विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टिन देते हैं हम लोग ब्लड कैंसर वाले को। एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सब्सटांस गिवन टू कैंसर पेशेंट इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर इज अल्फा इंटरफेरॉन। हम लोग अल्फा इंटरफेरॉन उनको देते हैं जो कैंसर पेशेंट होता है, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए और उनके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं। तो हमें इनमें तीन चार चीज़ें याद रखना है। द फर्स्ट वन इज अल्फा इंटरफेरॉन, एंड द सेकेंड वन इज MRI विच इज
सेफेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। थर्ड वन इज़ मेटास्टेसिस विच इज़ सोन बाय द मैलिग्नेंट ट्यूमर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।